वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ केक। काफी सारे फेलियर के बाद आज मैं फिर से ट्राई करूंगी। तो केक बहुत ज्यादा अच्छा बना था, आप लास्ट तक देखना। तो बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया मैदा, 1 कप मैदा, और इसको आपको छलनी में डाल लेना है। इसके बाद मैंने लिया 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर, मैंने मैंगो वाला लिया था, आप कोई और भी ले सकते हो। इसके बाद मैंने 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर ले लिया, फिर इसे अच्छी तरह से छान लिया। इसमें कोई भी लम्स ना रहे इसका आपको ध्यान रखना है। इसको छानने के बाद आपको चाहिए एक मिक्सी का जार। मैंने तो वैसे मेजरमेंट कप लिया था, तो मैंने उसके हिसाब से 1/2 कप चीनी ली और उसे मिक्सी के जार में डाल दिया, फिर इसे पीस लिया। इसको पीसने के बाद मैंने लिया देसी घी 1/2 कप। आप देसी घी भी ले सकते हो, बटर भी ले सकते हो, या फिर ओलिव ऑयल भी ले सकते हो, ठीक है। फिर इनको आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और कुछ इस टाइप का टेक्सचर बन जाएगा। फिर मैंने 1/2 कप दूध लिया और उसे भी डाल दिया, तो फिर इसका कुछ इस टाइप का मिक्सचर बन जाएगा। इसके बाद जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए थे उसमें जो हमने भी मिक्सचर बनाया उसको डाल देना है। आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हो, या फिर ज़रूरी नहीं है, ये खुशबू के लिए होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप डालो। फिर इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लो, फिर ये कुछ इस टाइप का टेक्सचर बन जाएगा। इसके बाद आपको इसमें दूध डालना है, बीच बीच में आपको इसमें दूध डालना है। मैंने तो रूम टेम्परेचर के हिसाब से ही लिया था। फिर आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद कुछ इस टाइप का टेक्सचर बन जाएगा, रिबन टाइप टेक्सचर बन जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से तो सही था। फिर इसके बाद आपको केक बनाने के लिए बाउल ले लेना है, उसमें ऑयल लगाना है और मैदा डस्ट कर देना है। फिर जो हमने अभी टेक्सचर बनाया था ना उसको इसमें डाल लेना है। आप इसमें टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास तो किशमिश थे तो मैंने उसे बन के लिख दिया। मैं इसे ओवन में बना रही हूँ, आप गैस में भी बना सकते हो। तो मैंने ओवन में इसे 23 मिनट्स के लिए कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री सेल्सियस में रख दिया था। आप इसे वैसे गैस में बना दो तो बन जाएगा। फिर जब मैंने निकाला तो ये बिल्कुल परफेक्टली कुक हुआ था, मतलब खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। ध्यान रखें कि इसको इसी बाउल में 2 घंटे के लिए रखें ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर आप इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर सकते हो। देखो कितना ज़्यादा स्पॉन्जी बना था, मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा, आप भी ट्राई करना। बाय द वे गाइस, थैंक यू 4000 सब्सक्राइबर्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। बाय।